स्टूडेंट्स को रोस में खड़े होने के लिए बोला गया इफ थ्री स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो फर्स्ट केस देर वुड बी वन रो लेस अगर एक रो में थ्री स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो एक रो कम बनेगी फिर और सेकेंड केस इफ थ्री स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो अगर थ्री स्टूडेंट लेस होते एक रो में तो देअर उड बी टू मोर रोस तब दो रोज ज्यादा बनेगी तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हमें स्टूडेंट्स बताने कितने हैं क्लास में तो चल स्टार्ट बाय एज्यूमिंग लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो bx नंबर स्टूडेंट्स स्टूडेंट एक रो में कितने मान लिया हमने एक्स दिस इज एक्स एंड नंबर ऑफ रोस इक्वल्स टू y नंबर रोस कितने मान ली y तो वन रो में एक्स स्टूडेंट्स तो y रोस में कितने हुए एक्स इन वाई मान लो ऐसे सपोज करो कि थ्री रोस है और एक रो में टेन स्टूडेंट्स है तो कितने हुए टोटल थ्री टेन सा थर्टी स्टूडेंट्स हुए उसी तरह से और एक और एग्जाम्पल ले लो मान लो फाइव रोज हुई और एक रो में ट्वेल्व बच्चे हैं तो फाइव इंटू ट्वेल्व कितने हुए टोटल सिक्सटी हुए उसी तरह से अगर x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और y रोज है तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए x इंटू वाई देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई ओके दिस इज द ओरिजिनल वन नाउ लेट्स कंसिडर द केसिस फर्स्ट केस कर लेते हैं कंसिडर फर्स्ट केस क्या है इफ थ्री स्टूडेंट आर एक्सट्रा इन एरो नाउ वी आर डायरेक्टली गोइंग टू फॉर्म द इक्वेशन थ्री स्टूडेंट्स ज्यादा है एक रो में ये हमारी एक रो है। एक रो में कितने बच्चे हैं? हमने X assume किया है number of students एक रो में। और एक रो में अगर तीन बच्चे ज्यादा हो जाते तो रोज तो, रो, तो एक रो कम हो जाएगी मगर बच्चे उतने ही रहेंगे आप आगे पीछे कर रहे हैं बच्चों को ज्यादा कर रहे हैं तो रोज कम हो रही है मगर Children विल नेवर ये स्टूडेंट्स जो होंगे वो कभी भी बदलेंगे नहीं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई वापस कितना होगा ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी एक्स वाई होगी So उसको सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन निकालते हैं एक्स इंटू वाई एक्स वाई एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई कैंसिल आउट माइनस एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री को शिफ्ट कर दो प्लस थ्री इक्वेशन नंबर आ गई वन गॉट इक्वेशन वन नाउ सेकेंड केस देखते हैं अगेन आप कुछ मत करिए ये एक्स है और ये वाई है एक और दूसरा तरीका ये एक्स है और ये क्या है वाई ठीक है ठीके? ये अब अपन यहां केसेस कर लेते हैं अब देखें इफ थ्री स्टूडेंट्स आर लेस इन रो थ्री स्टूडेंट लेस है माइनस कर दे थ्री देर बी टू मोर रोस तो दो रो ज्यादा हो जाएगी और इनका मल्टीप्लाई हमेशा सेम होगा क्या होगा एक्स वाई नंबर स्टूडेंट हमेशा सेम रहते हैं सो so, अगर आपने तीन स्टूडेंट्स कम कर दिए एक रो में से तो हमें नेचुरली रोज बढ़ानी पड़ेगी तो प्लस टू हो गया तो टोटल नंबर स्टूडेंट विल रिमेन सेम इससे का मल्टीप्लाई भी उतने होगा सो so ना इसको भी सॉल्व करके सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं एक्स इंटू वाई एक्स वाई एक्स इंटू टू टू एक्स माइनस थ्री इंटू वाई माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई कट सो सेकेंड इक्वेशन आ गई टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स इक्वेशन नंबर क्या हो गई टू दो इक्वेश टू आउट कर लेते हैं एक्स वाई की वैल्यू सो लेट्स राइट अगेन माइनस एक्स प्लस थ्री वाईक्वस टू थ्री एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्व टू सिक्स यहाँ पे y के कोपिशन सेम है और एक प्लस एक माइनस है तो सिंपली एड एड करने पर ये दोनों कट टू एक्स में से x गया, x सिक्स प्लस थ्री कितना हो गया नाइन एंड y क्यों निकालते हैं पुट दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन वन में रख देते हैं इक्वेशन वन ये रही माइनस एक्स माइनस नाइन प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू थ्री मीन्स थ्री वाई इक्वल टू थ्री प्लस नाइन थ्री वाई टू ट्वेल्व तो so, y की वैल्यू आ गई हमारे पास ट्वेल्व बाई थ्री थ्री फोर जार ट्वेल्व अब हमें तो नंबर स्टूडेंट्स निकालने टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे x इंटू वाई एक्स कितना है नाइन इंटू फोर कितना हो गया थर्टी सिक्स स्टूडेंट्स हो गए टोटल इसको चेक कर लेते हैं थर्टी सिक्स स्टूडेंट जो आए हमारे वो सही है कि नहीं है तो इसको चेक भी कर लेते हैं थोड़ा। सो so, यहाँ चेक करते हैं दोनों तो x इंटू वाई तो एक्स कितना है हमारा नाइन नाइन इंटू फोर कितना थर्टी सिक्स ये तो हमारा ओरिजिनल केस दे रखा है। नाउ फर्स्ट केस फर्स्ट केस में क्या है कि आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईच रो में थ्री बढ़ा दिए तो नाइन प्लस थ्री तो रोज कितनी कम हो जाएगी गिवन था वन रो कम हो जाएगी फोर माइनस वन नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व और फोर में से वन गए थ्री ट्वेल्थ है थर्टी सिक्स देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम आए सेकेंड केस भी देखो आपने क्या करा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच रो में से थ्री कम कर दिए तो थ्री कम कर देते तो दो रोज हमको बढ़ानी पड़ेगी तो रोज अभी कितनी ओरिजिनल फोर है फोर प्लस टू हो जाएगी नाइन में थी सिक्स, फोर प्लस टू सिक्स 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 कितना हुआ थर्टी सिक्स तो देखिए तीनों केस में हमारे सेम आ रहा है नंबर ऑफ कभी नहीं बदलते सो आई होप चिल्ड्रेन की आपको इस समझ में आ गया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो